पिछले 35 दिन तो लगातार इस केस दे विच दबाव जिहड़ा बनाया होया सीगा, रिलेंटलेस प्रेशर जिहड़ा बनाया होया सी पंजाब पुलिस ने, सारे जिहड़े विंग ने पंजाब पुलिस दे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन दे विच काम कर रहे सीगे, इंटेलीजेंस विंग लैके और उस तो लैके सारे जिहड़े इंटरनल सिक्योरिटी काउंटर इंटेलीजेंस विंग सारे बड़ा आपस दे विच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नाल काम कर रहे सीगे। अमृतपाल सिंह दे खिलाफ NSA दे वारंट्स जिहड़े ने इशू किए हुए सी कोर्ट ने, तो अज सवेरे अमृतपाल सिंह नूं डिटेन किया गया, NSA दे जिहड़े वारंट्स उन्हां नूं एग्जीक्यूट करके उहदे अंडर डिटेन किया गया और फरदर इस केस दे विच जिहड़ा वा कानून दे अनुसार अगे कार्रवाई होगी। लोकां ने पब्लिक ने सब तो पहलां तां मैं धन्नवाद करना चाहूँगा पंजाब दे लोकां दा जिन्हां ने इस पूरे दौर दे दौरान पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी पीस मेनटेन की है और पंजाब पुलिस भी कमिटेड आ पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी ते पीस मेनटेन करन वास्ते और कुछ जिहड़े हैगे ने एलीमेंट्स उन्हां नूं वार्निंग दित्ती जांदी है कि किसी भी तरह का माहौल पंजाब दे विच जिहड़ा वा खराब नहीं होण दित्ता जाएगा, किसी नूं भी पंजाब का माहौल खराब करन दी इजाजत नहीं दित्ती जाऊगी। अमृतपाल सिंह नूं अज सवेरे करीब 6:45 ते रोडे पिंड तो गिरफ़्तार किया गया। पंजाब पुलिस ते इंटैलीजेंस विंग दे कोल एक कंक्रीट इनफॉर्मेशन सी ओपरेशनल इनपुट्स दे बेसिस दे उत्ते कि वह रोडे पिंड दे विच जिहड़ा वा प्रेजेंट आ, उन्हों पुलिस ने सारे पासे तो नाकाबंदी करके पिंड नूं घेरिया होया सीगा, पर क्योंकि वह गुरद्वारा साहब के अंदर सीगा तो गुरद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी अधीन गिरफ़्तार किया गया। उस तो बाद डिटेन करके वो वारंट एग्जीक्यूट करके उन्हों दिब्रूगढ़ वास्ते जिहड़ा रवाना पंजाब पुलिस ने कर दिता है। ये जिहड़ा जॉइंट ऑपरेशन सीगा पंजाब पुलिस का तो इंटैलीजेंस विंग का, पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे जिसमें इंटेलिजेंस विंग है बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA के वारंट्स इशू हुए थे, इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है, उसकी गिरफ्तारी जो है NSA के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपनी जो अपने पेस पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हार्मनी पीस को मेंटेन किया है, हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हार्मनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में, और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग हैं उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है, सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद NSA का जैसे मैंने बताया वारंट एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें गिरफ्तार करके उसको दिब्रूगढ़ असम के लिए एज़ पर प्रोसीजर एज़ पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। Under relentless pressure by Punjab Police from last 35 days and all the wings of Punjab Police, they have worked in coordination for this special operation. I would just like to explain that NSA warrants were issued against Amritpal Singh and NSA warrants have been executed today morning. Further, law will take its own course in this case. People in Punjab, they have maintained peace and harmony. And Punjab Police and especially Punjab Government is thankful to the people of Punjab for maintaining communal peace, communal harmony during this period. Punjab Police is committed to maintain law and order in the state of Punjab. Any mischievous element spreading any type of rumor, they are warned to be careful and
strict action would be taken against them. Any such rumor, any such mischief will not be tolerated by Punjab police. Amritpal Singh has been arrested by Punjab police at around 6:45 a.m. today morning in village Rode. He was absconding from last about more than 1 month. Special operation was launched. A joint operation was conducted by Amritsar police and intelligence wing of Punjab police. He was located in village Rode based on operational inputs by Punjab police, and he was surrounded from all sides. The village was surrounded by Punjab police. Since he was inside a Gurdwara Sahab, so to maintain sanctity of Gurdwara Sahab is supreme for everyone. So to maintain sanctity, the police did not enter the Gurdwara Sahab, and since he knew that he had no way to escape now, he was surrounded by Punjab police. From all sides, the village was surrounded by Punjab police. So he was arrested at around 6:45. He has been taken to Dibrugarh under NSA, and further the law will take its own course. We are thankful to people of Punjab for maintaining peace and harmony during this entire episode. Thank you so much. ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਰੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਬਸਕੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਸਕੇਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਕੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। 10 ਤੋਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁੱਲ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਪਪਲ ਖੇਤ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
नहीं जी ऑपरेशन आ पिछले 35 दिन तो लगातार ऑपरेशन चल रहा है। 35 दिन तो लगातार पंजाब पुलिस दी टीम्स चाहे वह जिहड़ा मर्जी विंग होवे कोआर्डीनेशन दे विच काम कर रहे सीगे। हर ऑफिसर हर वेले कोआर्डीनेशन काम कर रहा सीगा। किसी ना किसी दिन ये किसी दिन दे नाल कोई कोइंसिडेंस नहीं है। किसी ना किसी दिन तो यह सक्सैस मिलनी सी पंजाब पुलिस नूं। फॉर्चुनेटली अज सुबह 28 मार्च नूं जद पंजाब दे हुशियारपुर दे पिंड उस तों बाद इन्हें लगातार क्योंकि राजस्थान दी वी कॉल आई सी कि राजस्थान दी वी देखो ये जिहड़ियां चीज़ां है ना ये चीज़ां शेयर नहीं कीतियां जा सकदियां। सो फार इन्ना ही है जो मैं तुहानू अज दस दिता है। फर्दर जो डिवेलपमेंट होगी क्योंकि आपां दोबारा फिर सारा कुछ तफ्तीश चाहिए। अमृतपाल के ऊपर फैमिली प्रेशर है वो कहीं ना कहीं वर्कआउट किया पंजाब पुलिस का जिस तरह से अमृतपाल की जो मैं दोबारा तभी कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस का जो लगातार प्रेशर था इस केस में जो पंजाब पुलिस ने एक लगातार दबाव बनाया हुआ था उस दबाव के तहत ही जो इनपुट्स भी वहीं से आती हैं पंजाब पुलिस के पास सारी फोर्सेस के पास वहीं से इनपुट्स आती हैं। तो अल्टीमेटली आज सुबह हमें ये हमारा ऑपरेशन जो है फाइनली कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। आज सुबह नहीं आज सिर्फ एक अमृतपाल नो अरेस्ट किया जी बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच जी।